Hello friends, welcome to another video tutorial from Akash Biology. It's been a long time that we have interacted. क्योंकि मेरा फोर्थ ईयर एमबीबीएस का एग्जाम था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया. सो अगेन वी विल कंटिन्यू आवर वीडियोज ऑन द लीनियज ऑफ व्हाट द फाइलम्स. सो फाइलम चैप्टर एकदम ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, और हमें ये फाइलम चैप्टर पढ़ना भी है. प्रीवियसली भी मैंने बनाया था फाइलम का सिर्फ पोरिफेरा सिलेंट्रेटा का, लेकिन शुरू शुरू टाइम में आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट एंड वॉज नॉट एबल टू डिलीवर डेट आई एक्चुअली नो. अभी भी उतना अच्छा नहीं आता है, तब भी आई विल ट्राई टू मेक यू नो अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द पोरिफेरा. देन वी विल हेड टुवर्ड्स अनदर फाइलम्स. सो सबसे पहले जब पोरिफेरा आया तो हमें पता नहीं था कि ये प्लांट है कि एनिमल है. वी आर ओनली नोन अबाउट द फैक्ट दैट इट इज अ मल्टी सेलुलर एनिमल, क्योंकि हम उसको विजुअली देख सकते थे. तो हम लोग सबसे पहले क्या देखे, स्पॉन्ज को देखें. सो स्पॉन्ज देखने में प्लांट जैसे लग रहा था, कैरेक्टरिस्टिक एनिमल जैसे था. सो वी वेर सो मच कंफ्यूज ना पॉपलेक्स अबाउट वेदर इट इज अ प्लांट और एनिमल. सो एनिमल ही है कह के स्पॉन्ज को सबसे पहले किसने दिया, तो एलिस ने. किसने? एलिस. एलिस नाम के साइंटिस्ट ने क्या दिया, तो एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्ज. ये सब एग्जाम में पूछेगा स्पॉन्ज. देन सेकेंड वन थिंग, अब उसके बाद क्या है, ये पोरिफेरा देख. सबसे पहले हम लोग को तो स्पॉन्ज पता लगा था. सो एक्चुअली वी वेर अननोन अबाउट स्पॉन्ज में और भी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक सब होता है, जैसे और भी मेंबर सब होता है, जैसे साइकन सब हो गया, स्पॉन्ज हुआ, यूप्लेक्टेला सब सब होता है. सो बाद में इस सबको स्पॉन्ज सब कैटेगरी करके एक नाम क्या दिया गया, पोरिफेरा. क्या दिया गया? पोरिफेरा. सो हु हैज कॉइन द टर्म पोरिफेरा? He is none other than Robert E. Grant. Clear? और उसके बाद ये पोरिफेरा एक entirely different phylum है, एक class है जिसको हम Parazoa बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Parazoa. So इसको सब मेटाजोन से अलग करके Parazoa में रखने वाले कौन से scientist है? He is none other than Huxley and Solas. So, ये तीन गो चीज हम लोग को याद करना पड़ेगा. हु हैज गिवन द एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्ज? ही इज नॉन अदर देन एलिस. हु हैज गिवन द टर्म पोरिफेरा? रॉबर्ट ई ग्रांट. एंड हु हैज इंक्लूडेड द पोरिफेरा इन द पैराजोआ? ही इज नॉन अदर देन हक्सली एंड सोलास. सो ये तीनों चीज हम लोग को क्या है, तो वो चीज पॉइंट ऑफ व्यू यानी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है. सिंस आई एम नेपाली, माई हिंदी इज नॉट सो गुड, सिंस बट मेरा बहुत ज्यादा व्यूअर इंडिया से है, इसलिए आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू डिलीवर इन हिंदी. उसके बाद हम जाते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में. क्या में जाते हैं? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में. सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको क्या पता लगाना पड़ेगा पोरिफेरा का, तीन चार चीज. सबसे पहले हम क्या चीज से, किसी भी चीज का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैबिटेट से. कैसे हम करते हैं स्टार्ट? हैबिटेट से. मीन्स वो रहता कहाँ है. सो पोरिफेरा रहता कहाँ है? पोरिफेरा वाटर में. वाटर में, और वाटर हो गया तो क्या हो गया? एक्वेटिक. क्लियर? अब देखिए एक्वेटिक है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं. एक समुद्र में रह सकता है जहां पे क्या होता है सॉल्टी वाटर, उसको मैरिन वाटर भी बोलते हैं. और दूसरा कहां हो सकता है? फ्रेश वाटर सब में. सो देखिए ये मैरिन में भी हो सकता है. सो मोस्टली कहां पे होता है? मैरिन वाटर में होता है. 98% पोरिफेरा को हम कहां देख सकते हैं? तो मैरिन वाटर में देख सकते हैं. लास्ट का रेस्ट 2% जैसे फ्रेश वाटर में है, तो इसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं, स्पॉन्जिला भी बोलते हैं. सो ये हो गया हैबिटेट में. और हैबिटेट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फ्री स्विमिंग है कि एक ही ठाव में बैठा रहता है. सो इट इज सिसाइल. अब सिसाइल को कैसे समझेंगे? तो कोमा पेशेंट. सो कोमा पेशेंट कैसे हो सकता है? कोमा पेशेंट जब भी एक ही प्लेस में बैठा हुआ रहता है, उस मीन्स सोया हुआ रहता है. सिमिलरली ये भी कहां थे? एक ही प्लेस में मजा से बैठा हुआ रहता है. सॉलो वाटर में था, डीप वाटर में, डीप वाटर में रहता है, उसको हम बोलते हैं बेंथोज. उसके बाद ये क्या होता है, पूरा ओबीज लाइफ स्पेंड करता है, उसको हम बोलते हैं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल. सो ये क्या रहता है? सेडेंटरी रहता है, एकदम आलसी. सो दीज आर द थिंग्स और दीज आर द कैरेक्टर्स That we need to know in the Porifera aquatic habitat. उसके बाद आते हैं हम सिमेट्री में.
अब सिमेट्री मतलब क्या है? सिमेट्री मीन्स अगर किसी भी एनिमल को अगर काटेंगे तो वो मिरर इमेज में बनेगा कि नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को ह्यूमंस को कहां से काटेंगे, तो इस प्लेन से काटेंगे तो हम लोग क्या हो गए, दो मिरर इमेज निकलेंगे। सो वी आर क्या है, दो निकलेगा नहीं निकला, सो वी आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। अगर कोई चीज को जैसे ये ऐसे करके इसको किसी भी प्लेन से काटेंगे तो इक्वल नहीं निकलेगा, तो इसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिकल। मीन्स इफ वी कट दैट एनिमल थ्रू एनी प्लेन इट विल नॉट फॉर्म टू मिरर इमेजेस। सो ये इधर क्या है, तो एसिमेट्रिकल है। क्या है सिमेट्री में, ये है एसिमेट्रिकल है, क्लियर। और क्या हो सकता है, तो किसी भी रेडियस से काटेंगे, जैसे ये सेंटर सर्कल जैसे हुआ, किसी भी रेडियस से काटेंगे तो सिर्फ दो इक्वल इमेज में निकलेगा। अगर कोर्ड सबसे काटेंगे तो नहीं निकलेगा, मीन्स यहां से काटेंगे तो सर्कल कभी भी इक्वल नहीं होगा। काटने के लिए सिर्फ हम रेडियस और डायमीटर से काट सकते हैं। सो ऐसे को हम बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, क्लियर, सिमेट्रिकल। सो हम पहले बात क्या किए हैबिटेट के बारे में, दूसरे बात क्या किया हम सिमेट्री के बारे में। अब इसके बारे में क्या जानते हैं, तो इसके बॉडी में टिश्यू होता है कि नहीं होता है, देखिए हमको क्या पता, हम इसको देख सकते हैं, मींस दे आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मींस सेल्स बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या वो सेल एग्रीगेटेड करके परफॉर्मेंस देते हैं कि सेल एग्रीगेटेड करके टिश्यू बनते हैं? सो टिश्यू मतलब क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन फंक्शन, मींस अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। अगर ये देखिए मेरे बॉडी में, हम लोग के बॉडी में चार टाइप ऑफ टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। मींस क्या है, बहुत ज्यादा नर्व सेल सब एक ठाम से एग्रीगेट होके, एक प्लेस में एग्रीगेट होके कॉमन फंक्शन देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू बोलते हैं। लेकिन इसके बॉडी में मल्टी सेलुलर होने के बावजूद सेल सब क्या होते हैं, तो एक ठाम एग्रीगेट होकर परफॉर्मेंस नहीं करते, यानी सब सेल अपना अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करते हैं। सो इसके बॉडी में क्या नहीं है, टिश्यू नहीं है। इसके बॉडी में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। मींस इसके बॉडी में क्या सिर्फ काम करता है सेल, अगर टिश्यू नहीं बना तो सिस्टम बना ही नहीं, ऑर्गेन बना ही नहीं, क्लियर। सो इसके बॉडी में सिर्फ सेल होता है, दे लैक टिश्यूज। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या समझना है, इसका बॉडी वॉल, इसमें कौन कौन से जर्म लेयर होते हैं। सो ये बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, सो इसमें सिर्फ दो जर्म लेयर होते हैं। सो दे आर दो जर्म लेयर को हम क्या बोलते हैं, दो जर्म लेयर को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, मींस ब्लास्टिसिटी के आधार में इसमें क्या है, तो डिप्लोब्लास्टिक है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। सो डिप्लोब्लास्टिक है, मीन्स सिर्फ दो जर्म लेयर है, हम लोग क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो गैस्ट्रुलेशन फेज में बनता है। सो दे आर टू टाइप्स, सो बाहर का पार्ट हो गया इक्टोडर्म, भीतर का पार्ट हो गया, मीन्स अंदर का पार्ट हो गया आपको इंडोडर्म, बीच में जो बनता है सबसे लास्ट मेसोडर्म वो नहीं है। पोरिफेरा में ये इक्टोडर्म को हम क्या बोलते हैं, पिनाकोडर्म, क्या बोलते हैं, पिनाकोडर्म, क्लियर। और जो इंडोडर्म है इसको हम बोलते हैं क्वानोडर्म, क्या बोलते हैं, क्वानोडर्म। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे पोरिफेरा का, तो पोरिफेरा का स्ट्रक्चर देखिए, पोरिफेरा का स्ट्रक्चर बॉडी वॉल में क्या होता है, एक सिंपल फिगर है ये पोरिफेरा का, है ना। देखिए हम क्या देख सकते हैं, ये पोर बियरिंग एनिमल है, मैंने शुरू में नहीं बोला पोर बियरिंग एनिमल है, मीन्स इसके बॉडी में छोटा छोटा पोर होगा, हम देख सकते हैं। यहाँ पे सब में क्या है, यहाँ पे एक बाहर से आता है ये वाटर यहाँ पे चारों तरफ, सो ये बॉडी वाले यहाँ बाहर होता है एक पोर, क्लियर। सो दे आर पोर बियरिंग एनिमल और दे आर ऑल्सो नोन एज डर्मल ओस्टिया, ये पोर को बोलते हैं। सो बाहर से वाटर आए, अब ये जो ये बाहर का सेल इसको हम बोलते हैं क्या है, पिनाकोडर्म, क्या बोलते हैं, पिनाकोडर्म, क्लियर। अब देखें जो ये अंदर का सेल है, ये अंदर का सेल है जो रेड लाइनिंग से किया है, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड द क्वानोडर्म, क्या बोलते हैं, क्वानोडर्म। और जो यहाँ बीच का जो सेल सब है यहाँ पे, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू सब है, क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जेलेटिनस मटेरियल, इसको हम बोलते हैं मेसोग्लिया, क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया और मेसोल हाई लेयर। तो क्या देख सकते हैं हम, बाहर क्या है तो इक्टोडर्म और पिनाकोडर्म, भीतर क्या हम देख सकते हैं, इसको भीतर मैंने ऐसे कर दिया, वी कैन सी एज क्वानोडर्म लेयर,
और जो अंदर है दोनों के बीच में उसको हम बोलेंगे मेसोग्लिया, जहां पे बहुत सारा सेल सब होता है और जिसका वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन होता है, दैट वी विल डील सब्सिक्वेंटली। सो क्या समझना है, तो देखिए ये बाहर का सेल का मैं आउटर लेयर का एक मैग्निफाइड व्यू बनाता हूं। सो व्हाट वी कैन सी, वी विल मेक फिगर लाइक दिस, एक सेकेंड। मैं एक बार इसको रब कर दूं, उसके बाद फिगर मेक लाइक दिस। आप लोग भी बना सकते हैं इसको। सो हम यहाँ क्या देख सकते हैं, हमने एक बॉडी वॉल ऑफ पोरीफेरा बनाया, जैसे ये बॉडी वॉल था ना ऐसे करके पोरीफेरा से मैंने इसका ये एक बॉडी वॉल बनाया है। सो आउटर लेयर में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ये आउटर लेयर ऑफ सेल्स है। सो ये एक रेड कलर का है और एक ब्लू कलर का है। सो रेड कलर का जो है इसे हम क्या बोलते हैं, ये पिनाकोडम है, ये टोटल पिनाकोडम है, इसको हम बोलेंगे पिनाकोसाइट। क्या बोलते हैं, पिनाकोसाइट्स। लेकिन जो हम बाहर बाहर ये पोर्स देख रहे हैं, बीच बीच में क्या है, पोर्स है कि नहीं है, देखिए ये जैसे पोर्स है ना, ये पोर्स का मैंने फिगर बनाया है। सो पोर्स तो बाहर से लेके भीतर तक कम्युनिकेट करता है, ये भीतर हो गया। सो यानी स्पॉन्जियो सील, स्पोंगो सील, इस तरफ भी ऐसे करके क्वानोसाइट सेल सर, क्लियर, क्वानोसाइट है, क्वानोसाइट है, क्वानोसाइट है, क्लियर। और यहां पे हमको फिर से आता है क्या, पोरोसाइट सब आता है ऐसे ही करके, पोरोसाइट गया, क्लियर, और यहां से पिनाकोसाइट शुरू हुआ। सो ऐसे करके हम देख सकते हैं अरेंजमेंट होता है पोरीफेरा को। सो बाहर तरफ क्या हम देख सकते हैं, पिनाकोडम में दो टाइप ऑफ सेल होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल इज नोन एज पिनाकोसाइट। क्या है, पिनाकोसाइट। ये सेल का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्लैट सेल है और यहाँ सेंटर में क्या होता है, बल्ज होता है। क्या होता है, बल्ज होता है ड्यू टू न्यूक्लियस। सो पिनाकोसाइट्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेल्स ऑफ क्या, तो पिनाकोडम, दैट आर फ्लैट सेल्स विद सेंट्रल बल्ज ड्यू टू बल्जिंग इज ड्यू टू न्यूक्लियस। पिनाकोडम में ही दूसरा टाइप ऑफ सेल आता है जो ये ब्लू कलर, इसको क्या बोलते हैं हम, पोरोसाइट। क्या बोलते हैं, पोरोसाइट। सो पोरोसाइट सेल जब भी पेयर में होता है, क्या होता है, पेयर में होता है। इसके सेंट्रल में हम कैनाल देखेंगे, ये कैनाल को हम इनकरेंट कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकरेंट कैनाल। इसका फिजियोलॉजी में भी बताऊंगा, लेकिन पहले हमको देखना पड़ेगा पिनाकोडम में कौन कौन सा सेल है, पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट्स। अब इंटरनली जो हम सेल देख रहे हैं, ये सब क्या है, सी वाला सेल, ये है क्वानोसाइट। क्या है, क्वानोसाइट, क्लियर। सो क्वानोसाइट सेल्स में हम क्या देखेंगे, सीलिया होता है। क्या होता है, सीलिया होता है, और कोई सीलिया एक बहुत बड़ा होता है, और इसके जो इस सीलिया को बेस में होता है कोलार सेल। क्या होता है, कोलार सेल्स, एंड दे आर कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर। और ये जो क्वानोसाइट सेल्स है, इसी के कारण क्या आता है, वाटर करेंट आता है। क्या आता है, वाटर करेंट। वाटर करेंट क्या है, देखें पोरीफेरा खाना कैसे खाता है, तो बाहर से यहाँ पे कोई भी पानी जा रहा है, तो यहाँ पे जो पानी सीधे इसमें एंटर नहीं करता है। पानी जब भी किससे एंटर करता है, ये ऑस्टिया से। तो ये ऑस्टिया से होकर ये कहाँ गया, स्पॉन्जियोसील। सो स्पॉन्जियोसील में जो खाने वाला चीज ये एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद कहां से फेंक देता है, ऑस्किलम से। कहां से फेंक देता है, ऑस्किलम से ये फेंक देता है। सो वी कैन सी द सिंपल फिजियोलॉजी ऑफ वाटर रेगुलेशन is that the water comes through the incurrent canal or the ostia, then it enters into keta spongiosil or paragastric cavity, bol se jo bhi usse bol sakte hai, uske baad yahan pe absorb nikalta kahan se hai, opening known as osculum. kya hai, osculum hai, ye abhi main sab bolunga. so these are the quanocyte cells. so pinacocyte, porocyte aur quanocytes. और ये इंडो पिनाकोसाइट भी होता है, जो कि मैं वाटर कैनाल सिस्टम के वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा वो क्या है इंडो पिनाकोसाइट्स। सो दिस इज अ सिंपल थिंग। और जो यहाँ पे ये लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया लेयर। क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया लेयर। मेसोग्लिया लेयर में क्या समझना है, तो ये थिन है, ट्रांसपेरेंट है,
और देखिए कोई भी चीज का आप देखिए बाहर तरफ क्या है पिनाकोडोम, भीतर तरफ क्या है क्वानोडोम, यहाँ पे जो सेल है ये क्या बना है इसका बॉडी का मेन फ्रेमवर्क। इसके लिए इसके बॉडी में बहुत सारे सेल्स है दैट आर डिस्पर्स्ड इन द मेसोग्लिया। सो कौन कौन से टाइप के सेल है जो मेसोग्लिया में रहते हैं? सो मेसोग्लिया में रहने वाले सेल्स, सो मेसोग्लिया में रहने वाले सेल्स, सो मेसोग्लिया में रहने वाले सेल्स आर एक्चुअली दे आर नोन एज एमीबोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? एमीबोसाइट्स मीन्स एमीबा जैसा होता है, इसमें कोई भी शेप नहीं होता है, जस्ट ये एमीबा जैसे वांडरिंग करता रहता है। दे आर हाईली रीजनरेटिव सेल्स, इसका भी मॉडिफिकेशन है। सो इसका एक मॉडिफिकेशन कौन, देखिए अब ये जो मेसोग्लिया में यहाँ पे जेलेटिनस मटेरियल भी है और सेल्स भी रहते हैं। सो अगर इसमें क्या है, अगर कोई भी पोरिफेरा में जहां पे क्या है मेसोग्लिया ज्यादा है, मेसोग्लिया ज्यादा है सेल्स कम है मेसोग्लिया में, इसको हम बोलते हैं कॉलेनकाइम। क्या बोलते हैं? कॉलेनकाइम। सो कॉलेनकाइम मेसोग्लिया का कैसा मॉडिफिकेशन है, जहां पे हम मेसोग्लिया ज्यादा देख सकते हैं सेल्स थोड़े देख सकते हैं। दूसरा क्या है, जहां पे मेसोग्लिया कम रहता है सेल्स ज्यादा रहते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरेनकाइम। क्या बोलते हैं इसको? पैरेनकाइम। क्लियर। और इसमें कौन कौन से सेल रहते हैं? तो पहला सेल है नाम है आर्कीसाइट्स, दे आर नोन एज टोटिपोटेंट सेल। क्या बोलते हैं इसको? टोटिपोटेंट सेल। तो टोटिपोटेंट सेल और टोटिपोटेंसी एक ऐसा प्रॉपर्टी है, सो अगर कोई भी पार्ट ऑफ पोरिफेरा अगर टूट के गिर जाए उसमें से नया पोरिफेरा जन्म लेता है, इसको हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच एनी, जैसे हमारा ये हाथ का उंगली कट गया, अब ये उंगली नीचे गया तो उंगली में से अगर मैं पूरा रिजनरेट हो जाऊं तो इसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। क्लियर, टोटिपोटेंसी। लेकिन मेरा ये हाथ कट जाए और यहां से सिर्फ पार्ट इलोंगेट है, इसको हम बोलते हैं रीजेनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन। सो कोई भी अगर एनिमल्स में ज्यादातर ये प्रॉपर्टी नहीं रहता है, सो ये दिस प्रॉपर्टी इज रिस्ट्रिक्टेड टू क्या था, पोरिफेरा। हम लोग में क्या होता है, जैसे लिजर्ड सन में उसका पूंछ कट गया तो हम उस फिर पूंछ बड़ा हो जाता है, दैट इज नोन एज रीजेनरेशन बट नॉट टोटिपोटेंसी। ये बात समझना चाहिए। दूसरा इसमें कौन सा टाइप ऑफ सेल होता है, हम देख सकते हैं इसका दूसरा टाइप ऑफ सेल्स हो गया आपको क्रोमोसाइट। क्रोमोसाइट नाम ही बोल रहा है, क्रोमोसाइट मतलब कैसा सेल हो गया, पिगमेंटेड। इसका काम है पिगमेंट देना। उसके बाद है थेसोसाइट सेल्स। थेसोसाइट का काम क्या है, तो जस्ट फूड सब फूड रिजर्व करना। क्लियर, इट रिजर्व्स फूड। उसके बाद है ट्रोफोसाइट। क्या है? ट्रोफोसाइट। इसका काम है डिलीवरी बॉय जैसे खाना यहां से लेके वेरियस सेल्स में पहुंचाना, इसको हम नर्स सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्स सेल्स। नर्स जैसे ही ख्याल रखते हैं ये। उसके बाद दूसरा सेल हो गया हमको स्क्लेरोब्लास्ट। क्या हो गया? स्क्लेरोब्लास्ट। इससे हम क्या है, स्पीक्यूल्स निकलते हैं। स्पीक्यूल्स मतलब मेसोग्लिया में बहुत ज्यादा ही स्पीक्यूल्स कैलकेरियस स्केलेटन सब निकलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू द पोरिफेरल बॉडी। सिमिलरली हम देख सकते हैं मायोसाइट। मायोसाइट क्या करते हैं, मस्कुलर सेल का मेन काम है कॉन्ट्रैक्शन। सो दे आर सम हाउ इंटर डिस्पर्स्ड इन नियर, कहां पे, तो वहां पे इनकरेंट कैनल के पास, और वही बंद हो गया कभी कभी ये कॉन्ट्रैक्ट होकर वो बंद कर देता है तो इससे पानी नहीं आ पाते, इनकरेंट कैनल बंद हो सकते हैं। उसके बाद हो गया आपको जर्म सेल। जर्म सेल का काम क्या है, स्पर्म और ओवा निकालना। सिमिलरली और सेल भी है, फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटोसिस काम करना। सो आप बुक में देखोगे बहुत ज्यादा ही सेल सब है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट सेल है जो आपको एग्जाम में पूछेंगे। फैगोसाइटिक सेल काम है फैगोसाइट जैसे खाने के लिए। ग्लैंड सेल में से क्या निकलता है, जेलेटिन निकलता है। अब हमको क्या समझ, इसमें थोड़ा हम क्या समझेंगे, इसके बॉडी में ऑस्किलम होता है, ऑस्टिया होता है सब चीज। तो देखिए मैंने तभी बनाया था, फिर बना दे रहा हूं। सो हम ये देख सकते हैं पोरिफेरा, इसके बॉडी में बाहर से क्या आता है, इसको बोलते हैं हम इनकरेंट कैनल। क्लियर, इनकरेंट कैनल बोल सकते हैं। कैनल यहां पे हुआ और ये जो हुआ पार्ट, इसको बोलते हैं हम ऑस्टिया। सो देखिए वाटर कहाँ आया, पहले ऑस्टिया गया, ऑस्टिया के बाद इनकरेंट कैनल में गया, उसके बाद ये स्पोंजोसील में हुआ, इसको हम उसके बाद इनकरेंट कैनल बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं ऑस्किलम। क्या बोलते हैं? ऑस्किलम। सो देखिए ये
इनलेट कैनल हुआ, ये क्या है आउटलेट कैनल है कि नहीं है, सो आउटलेट पार्ट इज द ऑस्क्यूलम, क्लियर। और इसके बॉडी में आते हैं, जब कोई भी बॉडी इसके बॉडी में क्या क्या पार्ट है, अब इसके बॉडी में स्पॉन्जोसील कैविटी हो गया, स्पॉन्जोसील, क्लियर। और हमको देखना है कोई भी एनिमल सब अगर वो वाटर में है तो 99% टाइम क्या होता है, वो अमोनिया होता है, अमोनोटेलिक होता है, यानी वो एक्सक्रीट क्या करता है, अमोनिया। हम क्या है, यूरिया करते हैं। जो एनिमल पानी ही नहीं खाता वो क्या करता है, यूरिक एसिड करता है, क्योंकि टॉक्सिसिटी के आधार में सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या है, अमोनिया है, क्या है, अमोनिया है। तो देखिए अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है, तो इसको डाइल्यूट करने के लिए भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी चाहिए, जो सिर्फ कौन पूरा कर सकता है, एक्वेटिक एनिमल। सो इसीलिए हमको क्या समझना होगा, जितना भी एक्वेटिक एनिमल 99% क्या होता है, तो अमोनोटेलिक होता है, जो पानी ही नहीं खाते, जैसे बर्ड सब पानी ही नहीं खाते हैं ज्यादातर, तो वो लोग क्या हो गए, तो सबको यूरिकोटेलिक, दैट इज यूरिक एसिड। हम थोड़ा थोड़ा पानी खाते तो हम क्या हो गए, यूरियोटेलिक, दैट वी एक्सक्रीट यूरिया। उसके बाद इसके बॉडी में माउथ नहीं है, इसके बॉडी में माउथ नहीं है, गट नहीं है, और ये फिल्टर फीडर है, क्या है, ये फिल्टर फीडर है, क्लियर। और देखिए इसके बॉडी में कोई भी ऑर्गेन नहीं है, तो हर एक डाइजेशन कहां होता है, इंट्रासेलुलर, क्या होता है, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर मींस विद इन द सेल, कहां होता है, विद इन द सेल, हर एक सेल में अपना अपना डाइजेशन होता है, क्यों, कहां पे, तो यहां पे जो फूड वैक्यूल है, क्या है, फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल में होता है, क्योंकि हर एक सेल में हम क्या देख सकते हैं, फूड वैक्यूल देख सकते हैं, क्लियर। तो ये हो गया हमारा पोरीफेरा के बारे में। और देखिए पोरीफेरा में क्या होता है, रिप्रोडक्शन दोनों फॉर्म से हो सकता है, ये इधर क्या फॉर्म से हो सकता है, असेक्सुअल फॉर्म, और दूसरा कहां से हो सकता है, सेक्सुअल फॉर्म। सो असेक्सुअल फॉर्म कैसे होता है, असेक्सुअल फॉर्म इधर गेमूल फॉर्मेशन से हो सकता है, क्लियर, गेमूल फॉर्मेशन से हो सकता है। अब ये गेमूल फॉर्मेशन क्या है, तो और या फिर बडिंग से हो सकता है, क्लियर। तो देखिए बडिंग से कैसे, गेमूल फॉर्मेशन क्या हुआ, तो ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज करते हैं, कौन करते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज करते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और इसको हम बोलते हैं इंटरनल बडिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनल बडिंग, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। कब करते हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशन में, जब यहाँ पे ऑटोमन सीजन है, पानी सब कम हो रहा है, उस टाइम में करते हैं। क्या होता है, तो कोई भी पोरीफेरा के बॉडी में हम देखते हैं आर्कियोसाइट सेल है, और आर्कियोसाइट सेल के लाइन में क्या आ जाता है, एमीबोसाइट सब आ जाते हैं, क्या आ जाता है, एमीबोसाइट। सो आर्कियोसाइट सेल्स अलॉन्ग विद द फूड पार्टिकल्स, जो भी इसका खाना है, ग्लाइकोप्रोटीन लाइपोप्रोटीन, इसके चारों तरफ हम क्या देख सकते हैं, कौन सा सेल आ जाता है, तो ये आ जाता है एमीबोसाइट, और वो दो लेयर ऑफ लाइनिंग बनाता है, एक इंटरनल लेयर और एक्सटर्नल लेयर, और यहाँ पे हम बहुत ज्यादा स्पीक्यूल्स देख सकते हैं। लेकिन ये सब के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक इस पार्ट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, क्लियर, सॉरी माइक्रोपाइल। सो अगर जब फेवरेबल कंडीशन आ गया तो क्या होता है, ये फूटता है, इसमें से बहुत ज्यादा गेमूल्स निकलते हैं, ये सिंपल हुआ बडिंग। तो हमको पता है कोई भी पार्ट इनलोंगेट हो जाना, और उसके बाद ये क्या है, हर्माप्रोडाइट है। हर्माप्रोडाइट मींस मेल एंड फीमेल ऑर्गेन्स बोथ आर कंटेन्ड इन द सेम एनिमल, दे आर हर्माप्रोडाइट, क्लियर। बट प्रोटोगाइनस मींस फीमेल मैच्योर्स, फीमेल पार्ट ज्यादा जल्दी मैच्योर होते हैं मेल पार्ट से, इसीलिए इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, होता है क्या इसमें, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, प्रोटोगाइनस, क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो कोई भी सेल से इसके ऑस्क्यूलम से क्या निकला, तो इसके ऑस्क्यूलम से स्पर्म निकल गया। अब ये स्पर्म कैसे गया, तो दूसरे स्पर्म, दूसरे ये पोरीफेरा के ओस्टिया से, और यहाँ पे क्या, मेसोग्लिया में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो देखिए तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, इंटरनली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, क्लियर। और ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल होने के कारण यहाँ पे लार्वा बनता है, जिसको हम पैरेन्काइमुला बोलते हैं, पैरेन्काइमुला लार्वा, और दूसरा हम इसको बोल सकते हैं एम्फीब्लास्टुला, क्लियर, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। और ये दोनों कहां से, उसके बाद यहां पे निकलते हैं, ऑस्क्यूलम से बाहर जाते हैं, ये सिंपल थिंग। ये हो गया प्रोसेस क्या, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और लास्टली हम देख सकते हैं इसमें रीजनरेशन भी पावर, ये किसने सबसे पहले बोला है, विल्सन ने, किसने, विल्सन ने, विल्सन हैज इलैबोरेटेड अबाउट द रीजनरेशन पावर ऑफ स्पॉन्ज।
सो दिस वीडियो कंक्लूड्स आवर वीडियो ऑन पोरिफेरा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात क्या चीज के बारे में करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं वाटर कैनाल सिस्टम के, उसका सब्सिक्वेंट वीडियो में क्लासेज ऑफ पोरिफेरा, और ऐसे ही जाता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, प्लीज कॉमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू।